हाँ बच्चों, स्पॉट मार्केट आर्बिट्रेज में ही एक और टाइप का आर्बिट्रेज है जिसे को बोला जाता है ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज। क्या नाम है सर ये? सुनो, ये हमारा जो स्पॉट मार्केट आर्बिट्रेज है ना, वही चल रहा है। इट मीन्स पॉइंट नंबर टू ही चल रहा है, ठीक है ना। उसी के अंदर लिखोगे एक नाम जिसका नाम है ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज। ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज, इससे क्वेश्चन आते हैं। ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, पर ना इसको अच्छे से समझने के लिए आपको क्रॉस रेट का नॉलेज होना जरूरी है। सर इसमें क्या होता है, क्या होता है, उसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं और उस एग्जाम्पल को ही बेस लेके हम काम करेंगे। मतलब अगर मान के चलो बेटे कि वो एग्जाम्पल आपने बना लिया, अगर आपने वो एग्जाम्पल बना लिया तो फिर तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाने, बहुत ईजिली बनने। तो ठीक है ना सर, इसमें सर कुछ लिखना है कि कुछ भी नहीं लिखना है, आप सीधा सीधा एग्जाम्पल लिखिए मेरे साथ साथ। एग्जाम्पल ध्यान से करना, लिखिए दिया हुआ है रुपीस पर डॉलर। अभी हम बिना बिड आस्क के करेंगे, मतलब एक ही रेट ले लेंगे, फिर बिड और आस्क रेट दोनों को यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, मान लो रुपीस पर डॉलर दिया है रुपीस 60.50 और ये कहाँ का दिया है, इंडिया। इंडिया में जो चल रहा है वो ये रेट चल रहा है, ठीक है सर। आगे चलते हैं, डॉलर पर पाउंड, डॉलर का रेट, पाउंड का रेट दिया है, कितना दिया है डॉलर 1.5045। सर ये रेट कहाँ है बेटे? ये रेट चल रहा है यूएस में, यूएस। उसके बाद क्या दिखा? उसके बाद है पाउंड पर रुपीस और ये है पाउंड 0.0125। ये रेट कहाँ चल रहा है? ये यूके में चल रहा है। ट्राइंगुलर दिख रहा है आपको? ट्राइंगुलर मुझे बोलने, तीन करेंसी इन्वॉल्व है, दिख रहा है आपको? मुझे क्या करना है, मुझे ये तीन है कुछ, एक रेट, एक कोटेशन कहाँ का दिया, इंडिया का रेट दे रखा है, एक यूएस में ये रेट चल रहा है और यूके में ये रेट चल रहा है। और फिर आपको बताएगा इफ यू हैव रुपीस 1 लाख कैलकुलेट आर्बिट्रेज। क्या कहीं भी आपको बिड और आस्क रेट दिखाई दे रहा है? नहीं, मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन उठाया। फिर ऐसा भी एग्जाम्पल करेंगे जिसमें बिड रेट भी हो और आस्क रेट भी हो, तो फिर उसको कैसे किया जाएगा? पहले ये वाला एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। इसको करने के दो तरीके हैं, अभी देख लो दिख क्या रहा। पहले कॉमन सेंस लगा कर देखते हैं कि हो क्या रहा। हमारे पास कौन सी करेंसी है? रुपया। पहले काम करो, आप इंडिया, आप कहाँ के रहने वाले हो? इंडिया के कि यूएस की कि यूके के, ये मैटर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट मैटर नहीं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपके पास 1 लाख रुपया है, आप सोच के देखो। सर सबसे पहले ना हम एक काम करेंगे, इंडिया में रुपया दे देंगे और इंडियन किसी बैंक से रुपया के बदले में क्या ले लेंगे, डॉलर। मतलब आप कितना रुपए खर्च करने वाले हो? 1 लाख रुपए खर्च करोगे और 1 लाख के बदले में आज ही के दिन क्या ले लोगे, डॉलर्स। फिर डॉलर यूएस जाओगे, यूएस पहुंचोगे, यूएस जाओगे, जाकर हम डॉलर दे देंगे वहां की बैंक को और बदले में क्या ले लेंगे, पाउंड्स। और पाउंड्स जैसे ही मिलेगा तो हम कहां पहुंच जाएंगे, यूके, और यूके में पाउंड्स दे देंगे और बदले में क्या ले लेंगे, रुपीस। इट मीन्स कि आज ही के दिन आप को 1 लाख रुपए लगाना है और आज ही के दिन अगर हमारे पास ये सब कन्वर्ट करते हुए वापस रुपया लगा के, रुपया ही तो वापस मिल रहा है, और रुपया अगर ज़्यादा मिल गया तो मान लो अपने प्रॉफिट कमा लिया,
दिस इज आर्बिट्रेज गेम, 1 लाख। लेकिन आप कर क्या करने वाले हो, रुपया से पहले किस में कन्वर्ट करने वाले हो, डॉलर्स, डॉलर्स से फिर किस में कन्वर्ट करोगे, पाउंड्स, और पाउंड से किस में कन्वर्ट करोगे, रुपीस। आप जितना पैसा खर्च करोगे, इन्वेस्ट करोगे, जितना उससे अगर ज़्यादा रुपया मिल रहा है तो आपका गेन है। सर अगर गेन नहीं आया तो बेटे फिर और सोच के देखो, हम इधर से क्यों जा रहे हैं, हम इधर से भी तो जा सकते हैं कि रुपीस 1 लाख रुपए देख के सबसे पहले क्या कर ले, पाउंड, और पाउंड से वापस क्या कर ले, डॉलर में कन्वर्ट कर ले, और फिर डॉलर देखकर इंडिया पहुंचे, डॉलर लेकर, और डॉलर से वापस क्या कर ले, रुपया। इट मीन्स अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और 1 लाख रुपया लगा रहे हैं और हमारा आ गया मान लो 1 लाख से ज़्यादा, 1,12,500, तो आर्बिट्रेज हो गया 12,500। एक बात आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, दो ही रूट पॉसिबिलिटी हैं, या तो रुपया से डॉलर, डॉलर से पाउंड, पाउंड से रुपीस। 1 लाख रुपए लगाओगे उससे ज़्यादा मिलेगा, या तो फिर रुपये से पाउंड, पाउंड से डॉलर, डॉलर से वापस रुपीस। 1 लाख रुपया लगाओगे यहाँ तो उससे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन बात बिल्कुल सिंपल, अगर एक रूट से प्रॉफिट होगा तो दूसरे रूट से हमेशा लॉस होगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन के विषय में मुझे तो नहीं मालूम, या तो इस रूट से जाऊंगा रुपीस से डॉलर, डॉलर से पाउंड, पाउंड से रुपीस, या तो यहां प्रॉफिट होगा। अगर यहां लॉस हो गया तो 100% फिर इस रूट से प्रॉफिट हो जाएगा, रुपए से पहले पाउंड में, पाउंड से डॉलर में, डॉलर। एक रूट में प्रॉफिट होता है, एक रूट में लॉस होता है, तो सर कौन से रूट से जाना चाहिए बेटे, यही तो मुझे नहीं मालूम, और यही तो मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं। तो अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, दो तरीके हैं क्वेश्चन बनाने के। पहला है ट्रायल एंड एरर मेथड। सर ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब एक्चुअल में आप क्या एक्चुअल में कन्वर्ट करवा रहे हो, नहीं वो बोले बाद में करवाएंगे, पहले इसको सोचकर तो देख लेते हैं, मेरी बात समझ रहे हो। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब हम यार पेन कॉपी उठाते हैं, ये एक्चुअल में दिख रहा है, पर ये ट्रांजेक्शन करने से पहले पेन कॉपी उठाओ और वहाँ करके देख लो कि यार ऐसा कन्वर्ट करने से प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कन्वर्ट करने से लॉस हो रहा है, तो हमें किधर जाना, हमें जाना प्रॉफिट साइड ही जाना, तो उसके बाद फिर आप एक्चुअल में ये ट्रांजेक्शन कर लीजिए। पहला ट्रायल एंड एरर मेथड से, ट्रायल एंड एरर मेथड से हम इधर से भी ट्रायल मारेंगे, इधर से भी ट्रायल मानेंगे, और देखेंगे कि हमें प्रॉफिट किस रूट से हो रहा है, और जिस रूट से हो रहा है वो हमारा फाइनल रूट हो जाएगा। फिर हम अपने मैनेजमेंट को सलाह देंगे कि सर इस रूट से जाइए और आपको प्रॉफिट हो जाएगा, बात खत्म। ये हम एडवाइस कर सकते हैं। पहला तो तरीका ये हुआ क्वेश्चन बनाने का, आपको सिर्फ अपने मैनेजमेंट को एडवाइस करना है कि क्या करना है करके, तो एक ट्रायल एंड एरर मेथड से कर लेते हैं। दूसरा तरीका है कि हम कोई ट्रिक जिससे हम रूट पता कर लें, और एक बार रूट पता हो गया तो फिर वैसी आग बंद करके बोल देंगे कि आप ऐसा कर लो। ये बहुत अच्छा लगा मुझे यार, ट्रायल एंड एरर तो कोई भी कर सकता, क्यों ना हम रूट पता कर ले कि 100% आपको रुपए से डॉलर में ही कन्वर्ट करना। इस तरह से अगर रूट बता दिया आपने तो भी बहुत बड़ी बात है, पर इसके लिए आपको क्रॉस रेट का एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। सर आप क्या करने वाले हो, मैं दोनों ही मेथड से क्वेश्चन करवा देता हूँ, ट्रायल एंड एरर मेथड से भी करवा देता हूँ और क्रॉस रेट वाले से भी करवा देता हूँ, लेकिन आगे से जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो क्रॉस रेट से ही करवाऊंगा। क्रॉस रेट से हम रूट पता कर लेंगे और फिर हम मैनेजमेंट को सीधा सीधा सलाह देंगे कि हमको किस तरह से काम करना। तो ठीक है सर, पहले ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके सर, ट्रायल एंड एरर मेथड से हम काम कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल को थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हो जाएगा। अब सबसे पहले आप मेथड नंबर 1 से काम करो। मेथड नंबर 1 को मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रायल एंड एरर मेथड। अब इसमें आपको दो तरह से जाना पड़ेगा,
रुपए से डॉलर, डॉलर से पाउंड, पाउंड से रुपीस, या फिर रुपीस से पाउंड, पाउंड से डॉलर, डॉलर से रुपीस। सिंपल है, इसमें ज़्यादा इट मीन्स एक तरफ हम, मैं आपको समझा रहा हूँ, ट्राइंगुलर बना लेते हैं। ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज जब नाम ही है तो क्यों ना हम ट्राइंगुलर ही बना लें। ये लो है, ट्राइंगुलर बना के काम करेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो है एक तो है रुपया, ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास डॉलर, और क्या है पाउंड। तो इस ट्रायंगुलर में पहले रुपए से डॉलर, डॉलर से पाउंड, पाउंड से रुपीस, दूसरे में रुपीस से पाउंड, पाउंड से डॉलर, मतलब सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यस, तो अभी क्या करें, अभी हम क्लॉकवाइज कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब पहले रुपए से डॉलर, फिर डॉलर से पाउंड, और फिर पाउंड से रुपीस। तैयार हो? इधर देखेंगे हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। रुपए से डॉलर, डॉलर से पाउंड, पाउंड से रुपए। कितने रुपए हैं आपके पास? 1,00,000 रुपए है सर। तो चलो जी फटाफट से काम कर रहे हैं। 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। और सबसे पहले इंडिया में आप रुपया देखकर क्या खरीदोगे? डॉलर। मतलब डॉलर में कन्वर्ट कराओगे तो बताओगे कितना रुपए मिलेगा? तो रुपीस 1,00,000। रेट किसका दिया? रेट दिया है रुपीस का, रेट देते तो मल्टीप्लाई, पर डॉलर का रेट दिया है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड और मल्टीप्लाई मैं नहीं सिखाऊंगा, इसके लिए आपको मुझे बेसिक क्लास आपको पता है अच्छे से। 1,00,000 / 60.50, आंसर आ गया डॉलर्स 1,62,1652.892। तो आपने ये काम कहाँ किया? सर ये काम हमने इंडिया में किया। ओके, ये काम किया आपने इंडिया में। आपने सबसे पहले रुपया को कन्वर्ट कर लिया किसमें? डॉलर में। अब डॉलर को, डॉलर लेकर कहां पहुंच जाएंगे? यूएस। और यूएस में डॉलर को किस में कन्वर्ट करेंगे? पाउंड में। कितना डॉलर है आपके पास? इतना डॉलर 1,652.892। रेट किसका है? पाउंड का। तो डिवाइड, अगर डॉलर का ही रेट होता तो मल्टीप्लाई, यहां डिवाइड हो जाएगा कितना? 1.5045। बताओ बेटे कितना आ गया? 1,652.892 डिवाइडेड बाय 1.5045, तो ये आ गया पाउंड 1,098.632। और ये काम कहाँ हुआ? सर ये काम हुआ यूएस में। यूएस का भी काम हो चुका है। इट मीन्स इंडिया से यूएस पहुंच गए, वहां डॉलर देख के हमने किस में कन्वर्ट करवा लिया? पाउंड में। अब कहाँ चलते हैं? यूके। और यूके में आपको इस पाउंड को किस में कन्वर्ट करना? वापस रुपीस में। कितना पाउंड है ये? पाउंड 1,098.632। अब डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई? बेटे ये तो रुपए का रेट दिया, जबकि करेंसी कौन सी? पाउंड। तो सर डिवाइड होगा फिर, तो डिवाइडेड बाय 0.0125। ये काम कहाँ हो रहा? ये काम हो रहा यूके। 1,098.632 डिवाइडेड बाय 0.0125, आंसर आ गया रुपीस 87,890। क्या आपको कहीं से भी प्रॉफिट दिखाई दे रहा? लॉस है सर। कितना रुपया लगाया था? 1,00,000। आया कितना वापस? 87,890। बताओ बेटे प्रॉफिट की लॉस? सर कोई शक ही नहीं है कि लॉस हो रहा है। यस, सीधी बात लिखता हूं यहां, लॉस। आया कितना? 8,390 माइनस, लगाया कितना था? 1,00,000
इज इक्वल टू एट थ्री एट नाइन जीरो माइनस 1,00,000, लॉस हो गया बेटे रुपीज 16110। कुछ बच्चों का ये कहना है सर आर्बिट्रेज में तो लॉस नहीं होता। मैंने कब बोला कि अभी आर्बिट्रेज है, मैं तो सब कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूं, और कैलकुलेशन करने के बाद जब मेरा दिल गवाही देगा कि हाँ जी ऐसा करो, तब मैं बोलूंगा कि ऐसा कीजिए, इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन मैं अभी अपनी वर्किंग कर रहा हूं, क्या इसमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्लॉकवाइज में प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा, तो अब मुझे कैसे जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा सर, सर वो भी करके देख ले क्या बेटे? ये अभी मेथड नंबर 1 ही चल रही है, और मेथड नंबर 1 में मैं क्या कर रहा हूँ? ट्रायल एंड एरर मेथड। मैं सबसे पहले किससे किया? क्लॉकवाइज। क्या प्रॉफिट आया? नहीं, लॉस आया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है सर, इसको रफ कर दूं क्या? हाँ सर कर दीजिए। लिखोगे बेटे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स यहां क्या दिया है? रुपीस, और क्या है जी? डॉलर, और क्या है? पाउंड। अब की बार मुझे इधर से जाना है, इसका मतलब मुझे सबसे पहले रुपये से किस में कन्वर्ट करवाना है? पाउंड। पाउंड से किस में? डॉलर। और डॉलर से किस में? रुपीस। इस तरह दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इधर पक्का गेन आएगा भाई, पिछली बार लॉस आया तो इधर तो गेन आना ही आना, पर फिर भी दिखाना तो पड़ेगा ही हमको। तो चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं कितना होने वाला है। सबसे पहले आपके पास क्या है? रुपीस, रुपीस 1,00,000। ये बात कहाँ हो रही है सर? सबसे पहले हम यूके जा रहे हैं। ओके सर, यूके। यूके कितना रुपए है सर? 1,00,000 रुपए। और रेट किसका दिया? रुपए का ही दिया, रुपए ही यहां करेंसी है। तो डिवाइड की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड और मल्टीप्लाई में तो दिक्कत होगी ही नहीं, जिन्होंने मेरी क्लास किया हुआ है, पहली क्लास अगर देखा तो डिवाइड और मल्टी। तो चलो भाई पाउंड आ गया मेरे पास, 1,00,000 × 0.0125, तो ये पाउंड आ गया 1,250। अब पाउंड लेकर कहां पहुंच जाएंगे सर? यूएस पहुंचेंगे, और पाउंड से किस में कन्वर्ट करेंगे? डॉलर। इनटू रेट किसका दिया है? पाउंड का ही दिया है, तो मल्टीप्लाई, करेंसी भी पाउंड है, 1.50। सर डिवाइड और मल्टीप्लाई में दिक्कत हो रही है, तो अभी आप इसके लायक ही नहीं हुए, फिर तो आपको बेसिक क्लास करनी पड़ेगी। 1,250 × 1.5045, तो ये बेटे डॉलर आ गया। सर कितना डॉलर आया? 1,880.625। ये काम कहाँ हुआ सर? ये काम हुआ था यूएस में। बस चले इंडिया। यस, और इंडिया में डॉलर से किस में कन्वर्ट करवा दे? रुपीस में। डॉलर 1,880.625 × क्योंकि डॉलर का ही रेट दिया और डॉलर ही करेंसी है, तो मल्टीप्लाई होगा, 60.50। तो कोई शक ही नहीं है, आ रहा रुपीज 1,13,778 अप्रोक्स। ये काम कहाँ हुआ? इन इंडिया। तो बोलो आपको गेन हो रहा है कि लॉस? सर गेन हो रहा है। कितने का गेन हो रहा है ये लिखाना दिखाना पड़ेगा। गेन कितना आया? 1,13,778 माइनस लगाया कितना था आपने? 1,00,000। तो कितने का गेन हो गया? रुपीस 13,778। सिंपल। पर
ट्रायल एंड सर एक बात बताते, एक बात पूछिए आपसे, तो क्या पहले वाले को काट दें? बेटे काटोगे कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन में आपको दोनों ही दिखाना पड़ेगा। अगर आप ट्रायल एंड एरर मेथड से कर रहे हैं, अगर मान लो सर पहले में ही गेन आ गया, क्लॉकवाइज में ही गेन आ गया, तो क्या एंटी क्लॉकवाइज दिखाना चाहिए? मेरे ख्याल से ट्रायल एंड एरर मेथड करें तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, चाहे पहली बार में ही गेन आ जाए। तो आप सच्चाई तो यह है कि दूसरी बार लॉस आने वाला है, पर प्लीज़ आप दिखा देना। इसलिए इस मेथड को मैं पसंद ही नहीं करता हूँ। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको दोनों ही तरीके से दिखाना चाहिए अगर आप ट्रायल एंड एरर मेथड से कर रहे हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पर मुझे ये मेथड ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि इसमें दिमाग चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहले ऐसे चले जाओ और अगर मज़ा नहीं आया तो वापस चले जाना, मतलब सेंस नहीं। अब मैं दूसरा मेथड करने जा रहा हूँ। अब लिखोगे मेथड नंबर 2। अब ध्यान से समझोगे मेरी बात को। सर इसे रफ कर दे क्या? यस। अब समझने वाली बात है बेटे, मजा तो अब आएगा। लिखोगे मेथड नंबर 2। अब सुनने वाली बात और अब समझने वाली बात। अभी तक तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन, अब है, अब थोड़ा सा दिमाग चला लोगे हमेशा काम आएगा। अभी सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ उस बात को अच्छे से समझ लो। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मैं क्रॉस रेट के थ्रू रूट पता लगा लूँगा और उसके बाद बताऊँगा कि क्या करना है। सर कैसे काम करोगे? सबसे पहले रूल्स मेरे फॉलो करोगे, गलती नहीं होगी। सबसे पहले चेक कीजिए, क्या चेक करना, क्या दिया हुआ है करेंसी, आपके पास करेंसी कौन सी है? सर हमारे पास तो रुपीज़ है। हमारे पास कौन सी करेंसी? रुपीज़। ये दिया रहेगा कि आपके पास क्या है, रुपीज़ है कि आपके पास डॉलर है कि आपके पास क्या है, ये जरूर दिया रहेगा। हमारे पास कौन सी करेंसी है? रुपीज़। तो हमारा टारगेट रहेगा कि इस तरह से रेट निकालने की, दो रेट निकालूंगा कि जिसमें जिसमें ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए रुपीज़, चाहे रुपीज़ पर डॉलर हो चाहे रुपीज़ पर पाउंड हो, टारगेट ये रहेगा कि ऊपर क्या होना चाहिए, रुपीज़। जो करेंसी दी हुई है वो हमारे पास ऊपर होनी चाहिए। ठीक है सर, ओके सर, आखिर क्या कहना चाहते हो ये बेटे यहाँ से समझना चाहिए, इसको देखना अच्छे से। क्या ढूंढो क्वेश्चन में, क्या रुपीस कहीं दिया है जहां ऊपर लिखा हो? हाँ सर ये तो दिया है रुपीस, इट मीन्स डॉलर का रेट कितने रुपये में, बस मैं ये निकालना चाहता हूँ। क्या ये दिया हुआ है? दिया हुआ, थैंक गॉड। ओके, तो एक चीज हमको पता लग गई। हमें क्या पता लग गई? हमें ये दिया है रुपीस पर डॉलर, कितना दिया है? रुपीस 60.50। और कहाँ का ये रेट दिया है? इंडिया। ठीक, दूसरा भी, तो ये रेट तो हमने निकाल दिया, ऊपर के ऊपर निकाल के इधर रख दिया, कोई दिक्कत। अब बचे हमारे पास ये दो रेट, थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, जो क्रॉस रेट झेल नहीं पाएगी ना वो ट्रायल एंड एरर मेथड से कर लीजिएगा। जिन लोगों को समझना है, टेक्निकल चीज़ समझना, वो बस मैंने क्या किया, मुझे मालूम था रुपीज़ दिया है, रुपीज़ 1 लाख, तो मुझे यहाँ रेट ढूंढना है जिसमें ऊपर रुपीज़ हो और यहाँ रुपीज़ है, तो इस रेट को उठाकर मैंने अलग से अलग निकल कर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना, अब इन दोनों रेट को यूज कर कर, इन दोनों रेट को यूज कर कर फिर मुझे सेम रुपीस पर डॉलर निकालना, फिर से मुझे क्या निकालना है, रुपीस पर डॉलर, लेकिन ये वाला रेट नहीं लेना है, इन दोनों रेट को यूज करना है और ये वाला कोटेशन निकालना, मुझे क्या निकालना बेटे, रुपीस पर डॉलर, इन दोनों रेट को यूज कर कर क्या निकाला जा सकता है? यस, क्रॉस रेट। और क्रॉस रेट आपको आना चाहिए, जिन लोगों को क्रॉस रेट आता नहीं है ना वो कमेंट्स में वो जरूर बताइएगा कि क्रॉस रेट सर हमको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर बेटे आपको पहली क्लास देखना ही पड़ेगा, फर्स्ट क्लास देखो, क्रॉस रेट यूं बनेगा आपसे, फर्स्ट या सेकंड क्लास में, कहीं ना कहीं सेकंड क्लास में ऐसा है। तैयार हो? रुपीज 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 होना चाहिए ऊपर, ऊपर रुपीज है नीचे, क्या 1 से डिवाइड करना पड़ेगा? यस, 1 डिवाइडेड बाय 0.0
1 to 5 into डॉलर होना चाहिए, नीचे डॉलर है ऊपर, तो क्या यहाँ भी 1 से डिवाइड करना पड़ेगा? यस, 1.5045। बताओ कितना आएगा आंसर? 1 divided by 0.0125 divided by 1.5045 आंसर आ गया ₹53.17 लिखा, 17 लिख देता हूँ, चल जाए। सर ये रेट कहाँ का निकला? बट ये कहीं कहीं का भी निकला उससे मुझे मतलब नहीं है, बस मुझे सोच के बताना आराम से। इन दोनों रेट को यूज किया तो ये रेट निकला 53, मतलब डॉलर का रेट यहाँ कितना है इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, चाहे यूएस हो चाहे यूके, दोनों मिलाकर डॉलर का रेट कितना दिया? 53 रुपीज़, 53.17। जबकि इंडिया में डॉलर का रेट कितना है? 60 रुपया 50 पैसे। एक कॉमन सेंस स्पॉट मार्केट आर्बिट्रेज हम कर रहे हैं, सोच के बताना कि अगर करेंसी खरीदना होता, डॉलर खरीदना होता तो कहां से खरीदते? सर यहीं से खरीदते जहां सस्ता बिक रहा है। मतलब कितने में हम डॉलर खरीदते? 53.17 में डॉलर खरीदते और नो डाउट कि इंडिया में बेचते, और कितने में बेचते? 60 रुपया 50 पैसे। क्यों? क्योंकि डॉलर का रेट इंडिया में ज्यादा है। अगर सर यहाँ 50 होता तो कोई शक नहीं, फिर मैं यहाँ से डॉलर खरीदता। मुझे बस ये डिसाइड करना था इंडिया में मुझे डॉलर बेचना है कि डॉलर खरीदना है, और इंडिया में मुझे डॉलर बेचना है तो मैं कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा। बेटे फोकस करना, मैं कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा, यहाँ से डॉलर कभी नहीं खरीदूंगा, मैं डॉलर यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं पहले पाउंड खरीदूंगा। रूट समझ में आ रहा है? मुझे नो डाउट कि यहाँ बेचना है, इंडिया में बेचना, तो वहाँ से खरीदने का सवाल ही पैदा, खरीदना इधर से स्टार्ट। अगर यहाँ 50 निकल जाता तो फिर मैं यहाँ से खरीदता और फिर इधर बेच देता। तो अब इसमें मैं क्या मुझे रूट पता लग गया? हाँ, कैसे पता लग गया? यहाँ बेचना है, यहाँ बेचना है तो पक्का इधर ही से खरीदना पड़ेगा। तो सर इसको लिख लें क्या? यस, इसको मैं लिख रहा हूँ। सिंस रेट ऑफ डॉलर is higher in India then we sell dollar in India। हमें ये समझ में आ गया कि हमें यहाँ बेचना है। अब कुछ नहीं, अब आर्बिट्रेज प्रोसेस कर लेते हैं। आर्बिट्रेज प्रोसेस, मतलब अब मैं बताऊंगा कि कहां से खरीदूंगा, फिर कहां से खरीदूंगा, फिर कहां बेचना है, ये सब कुछ। सर एक बात बताइए, जब ये तो पता लग गया तो क्या ये प्रोसेस दिखाना जरूरी है? जी सर, नंबर तो इसी के मिलने वाले, नहीं तो मेरे पास तो शॉर्टकट है, मैं तो सीधा सीधा है। मैं देखो मैं कैसे निकालता, अगर मैं शॉर्टकट से करूं सुनोगे बेटे, मैं शॉर्टकट की मैं बात कर रहा हूँ। बोलो हमारे पास कितना है? 1,00,000 रुपए। एग्री? डॉलर खरीदूंगा तो इधर से खरीदूंगा, मतलब कितने में? 53.17। बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? इतने में, 60.50। में बेचेंगे, 1,00,000 रुपए है, इतने में डॉलर खरीदेंगे, इतने में बेचेंगे, और इसमें से माइनस प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा ऑटोमेटिक। 1,00,000 रुपए जो लगा रहे थे वो वापस माइनस करने के बाद देखते हैं गेन कितना आ रहा है। सीधा ऐसे निकाल लूँगा, 1,00,000 divided by 53.17 into 60.50 - 1,00,000। आंसर आ गया बेटे ₹13,78,5786 ले लेते हैं अप्रोक्स, बस खत्म। पर मुझे इसका थोड़ी नंबर मिलने वाला है, ये तो मेरा ट्रिक है कि भाई 1,00,000 डॉलर इतने में खरीदूंगा, इतने में बेचूंगा तो इतना आएगा, उसमें से 1,00,000 रुपए मैं माइनस भी कर दूंगा, इतना प्रॉफिट है। पर इसका नंबर नहीं मिलने वाला, मुझे यहाँ थ्योरी समझानी पड़ेगी,
मुझे बताना पड़ेगा कि आर्बिट्रेज प्रोसेस में क्या होगा। चलो जी, पहला डॉट लगाया। सबसे पहले क्या करने वाले हो, बाय पाउंड फ्रॉम यूके। रुपीज 1 लाख इंटू 0.0125। ये प्रोसेस दिखाना पड़ेगा सर आपको, नंबर तभी मिलेगा। पता लगा यार, बस कैलकुलेटर में करके आ गया तो नंबर भी फिर कैलकुलेटर में ही मिलने वाला है। 1 लाख इंटू 0.0125, तो ये आ गया आपका, क्या आ गया, पाउंड। कितना आ गया, 1250। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, अब पाउंड बेच के क्या खरीदोगे, डॉलर। बाय डॉलर फ्रॉम यूएस, पाउंड 1250 इंटू क्या रेट चल रहा है, 1.5045। 1250 इंटू 1.5045, तो ये आ गया भाई डॉलर्स। कितना आ गया, 1880.625। एंड लास्ट, बाय रुपीस, कहाँ से, फ्रॉम इंडिया, डॉलर 1880.625 इंटू रेट क्या चल रहा, 60 रुपये 50 पैसे, तो ये आ गया रुपीस 1,13,778 अप्रोक्स, 778। ये राउंड ऑफ की वजह से आया होगा, ये 53.7 कुछ होगा, एक बार देख लेता हूँ, नहीं तो बाद में ना बच्चे ना एक एक पैसा का हिसाब किताब मांगते। 1.5045, ये आ गया 53.1738। अगर इसको मैं 1738 करता हूँ, 1 लाख डिवाइडेड बाय 53.1738 इंटू 60.50, आ गया माइनस 1 लाख। बस कुछ बच्चे ना ऑब्जेक्शन ले लेते, भाई बड़ा शौक होता ऑब्जेक्शन में, सर ऐसा इसमें तो ये आंसर आ रहा है, ये लोग खुश। ओके सर, तो ये वैसे भी काम का नहीं है भाई, ये तो बस शॉर्टकट था। क्या आर्बिट्रेज गेन निकल गया, यस। गेन इज इक्वल 1,13,778 माइनस 1 लाख, तो गेन आ गया रुपीज 1,37,78। बस यही काम करना है। अब बेटे आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से करना चाहते हो कि इस तरह से करना चाहते हो, वो आप पर है, सब कुछ आप पर है। चाहो तो आप ट्रायल एंड एरर मेथड से कर लीजिए, उसमें ज़्यादा झंझट नहीं हो तो फटाफट से कोई भी कर लेगा। चाहो तो आप ऐसे कर लीजिए, मेथड नंबर टू मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसमें ज़्यादा समस्या और लगता भी है कि यार बंदे ने दिमाग चलाया। ट्रायल एंड एरर मेथड से तो कोई भी रूट पता कर सकता है। इसमें करना क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन करूँगा तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं ढूंढूंगा कौन सी करेंसी दिया, रुपया, तो कसम खा लो रुपया ऊपर होना चाहिए। और मैंने यहाँ वही ढूंढने की कोशिश किया, यहाँ रुपये ऊपर है तो इसको डायरेक्ट लिख दिया। जो रुपीस पर डॉलर है, इनको क्रॉस रेट से रुपीस पर डॉलर का रेट निकाला। बस अब देखो कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ बेचेंगे, मतलब यहाँ से खरीदेंगे, बस रूट पता हो गया। इसके बाद तो वही प्रोसेस है जो आप कर रहे हैं। क्वेश्चन बना ले, ठीक है सर क्वेश्चन बना लेते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन बनाएंगे। और एक आध क्वेश्चन बनाते उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मजा तो तब आएगा जब यहाँ बिड रेट भी हो आस्क रेट भी हो, तब ज़्यादा मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन बनाते नॉर्मल वाले।